तो गाइस अगर आप लोग 1 से लेके 4 GB रैम तक के डिवाइस पर खेलते हो और आप लोग का गेम काफी ज्यादा लैग और हैंग करता है, या तो फिर आपके साथ लेट लॉबी मैच मैचिंग प्रॉब्लम या तो फिर लेट एरोप्लेन प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा। या तो फिर आपके साथ ये हो रहा होगा, आप रैंक मैच खेलते हो तो आपका फोन काफी ज्यादा लैग करने लगता है रैंक मैच में, भाई मुंह की बात छीन ली, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए न्यू लैग फिक्स कॉन्फिग फाइल लेके आ गया हूँ, वो भी लेटेस्ट वर्जन की, और इस कॉन्फिग फाइल को आपको सेट कैसे करना है और डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो पे बता दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो गाइस पहले मैं आपको बता दूं आपको फाइल की लिंक कहां से मिलेगी। तो फाइल की लिंक आपको मिल जाएगी हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन पर, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और मैं आपको बता दूं कॉन्फिग फाइल पर आज पासवर्ड भी नहीं डाला है, तो आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूं आपको फाइल सेट करने से पहले अपने फोन पर कुछ सेटिंग्स अप्लाई करना होगा, तभी आपकी कॉन्फिग फाइल 100% वर्क करेगी। तो उन सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर चले जाना, वहां आपको 5 सेटिंग्स करके वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो गाइस आप वहीं से जाके उस वीडियो को देख लेना। तो फ्रेंड्स फाइल सेट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको ZRCuber ऐप को डाउनलोड कर लेना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, वहीं से जाके आप डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन कर लेना। आपकी कॉन्फिग फाइल वर्क क्यों नहीं करती, क्योंकि आप पुरानी कॉन्फिग फाइल को डिलीट नहीं करते हो, तो आपको पुरानी कॉन्फिग फाइल को डिलीट कर देना है। तो अब कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पुरानी कॉन्फिग फाइल को डिलीट करने के लिए आपको पहले चले जाना है यहाँ से डिवाइस मेमोरी, फिर आपको जाना एंड्रॉइड पे, फिर जाना डाटा पे, फिर आपको नीचे आना, आपको दिखेगा यहाँ कॉम DTF TH का फोल्डर, इस फोल्डर को ओपन करना, फिर फाइल्स फोल्डर को ओपन करना, फिर यहाँ से आपको सभी फोल्डर को डिलीट कर देना। यहाँ से मैं कॉन्फिग फाइल को डिलीट कर देता हूँ ओल्ड वाली को, और यहाँ सिर्फ कॉन्टेंट कैच को रहने देना। फिर आपको आ जाना है बैक, फिर आपको चले जाना जहाँ आपने कॉन्फिग फाइल को डाउनलोड किया है। तो मेरी कॉन्फिग फाइल के फोल्डर में है फाइल, ये रही कॉन्फिग फाइल, इसको सिंपली आपको टैप करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हियर करोगे तो डायरेक्ट आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। फिर आपको इस फोल्डर को ओपन कर लेना है, फिर आपको यहाँ दिखाई देगा 1 से लेके 4 GB रैम तक के सभी डिवाइस के लिए कॉन्फिग फाइल, आपका जो सभी डिवाइस है आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग चूज कर लेना। तो गाइस मेरा यहाँ 2 GB रैम का डिवाइस है, तो मैं 2 GB रैम वाले फोल्डर को ओपन करूंगा। ये रही कॉन्फिग फाइल, इसको सिंपली आप लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से कॉपी या कट करना, यहाँ से मैं सिंपली कॉपी करूंगा। फिर आपको चले जाना है डिवाइस मेमोरी में, फिर आपको जाना है एंड्रॉइड पे, फिर डाटा, डाटा में आने के बाद आप नीचे आना, आप कॉम DTS फ्री फायर को फोल्डर को ओपन कर लेना, फिर फाइल फोल्डर को ओपन कर लेना, फिर आपको सिंपली यहाँ पास लाके फाइल को पेस्ट कर देना। और फाइल पेस्ट हो जाने के बाद अपने फोन को रीस्टार्ट जरूर से कर देना, उससे आपकी कॉन्फिग फाइल 100% वर्क करेगी और आपके डिवाइस पर सेट भी हो जाएगी। तो गाइस अगर आप लोग के फ्रेंड्स का भी लैग करता है डिवाइस तो उनको भी वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ।